हूँ क्लास। वालेकुम सलाम मैम। जिन्हें मैंने चैप्टर नंबर 4 की प्रोग्रामिंग दी है उन्होंने की है। पहले जो 4 ग्रुप्स हैं उन्होंने मंडे तक अपनी प्रोग्रामिंग को तैयार रखना है। 4 के 4 ग्रुप्स ने, मैं जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले ग्रुप की पहले लूंगी, मैं किसी भी ग्रुप की ले सकती हूँ पहले, ठीक है। और आप लोगों ने मंडे तक प्रिपेयर करनी है। जिनकी 4 वाले चैप्टर में से है और जिनकी 5 वाले चैप्टर में से है वो इंशाल्लाह हमारा 5 चैप्टर, मेरी कोशिश है कि मैं आज एंड कर दूँ, लेकिन इसके टॉपिक जो है वो 3 हैं, तो देखती हूँ अगर एंड हो गया ठीक है, अदरवाइज जो है वो फिर मंडे को हम इसको एंड करेंगे। और जिनकी तो चैप्टर नंबर 5 में से है वो फिर अपनी फ्राइडे तक, उनको मैं टाइम दूंगी फ्राइडे तक वो करेंगे। फ्राइडे वाले दिन जो है उनकी प्रेजेंटेशन होगी उनमें से फर्स्ट वाले ग्रुप की, या मे भी मैं नेक्स्ट मंडे पे कर दूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने साथ साथ मैम नेक्स्ट मंडे से कर ले, चले नेक्स्ट मंडे से कर दूंगी। और क्लास एक बात और कि आप लोगों ने जब इसकी प्रोग्रामिंग को बनाना है, प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिफाइन करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अब आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया तो ये आपकी सब्जेक्ट दी है, टोटली ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी डिस्कस करना है, आप लोग मेरे से कर सकते हैं फेयरली, तो कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आप लोगों ने प्रिपेयर सबने करनी है, ये आप लोगों का ही बेनिफिट है इसके अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग किसी भी टाइप की आएगी तो आप लोगों को बनानी आती होगी। स्ट्रक्चर जो है वो तो आई थिंक सो इतने डिफिकल्ट नहीं है, हर कोई ड्रा कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफाइनिंग करनी है हमें, प्रोग्रामिंग की जो मेन पर्पज है वो आप लोगों को आना चाहिए। वो जब तक डिफरेंट पर्पज के साथ नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आता। आज जो टॉपिक है वो कल हमने किया था नेस्टेड इफ, और आज उसी से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट वही है, जस्ट उसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, ये हम जो आज करेंगे वो स्विच है, स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्ट्रक्चर भी आप इसे बोल सकते हैं। ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने कल की थी, जिसके अंदर इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट दे रहे थे हम, वो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी। स्विच स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटेड टू नेस्टेड ही है, बट नेस्टेड इफ एल्स है। जो हमने कल नेस्टेड किया था वो नेस्टेड इफ था, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट हम यूज कर रहे थे, बट नाउ टुडे जो हमारा टॉपिक है वो स्विच स्ट्रक्चर है, इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी इसे बोला जाता है। जैसे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी, फिर उसके आगे इफ एल्स स्टेटमेंट थी, फिर उससे नेक्स्ट पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमने की थी, और फिर कल जो हमने की थी वो नेस्टेड स्टेटमेंट थी, जो कि नेस्टेड मीन के इफ के अंदर हम एक और कंडीशन के साथ इफ स्टेटमेंट देंगे जो ब्लॉक वाइज बनेगी, फिर आगे जाके फर्दर ब्लॉक नया वाला कन्वर्ट होता था। बट आप जो है उसने उसको आगे फर्दर नेम नहीं दिया कि नेस्टेड इफ एल्स लिखते थे, तब भी कोई इशू नहीं था, बट उसने बता दिया कि जो अल्टरनेटिव कोड इसका नेम जो है वो हम इसको नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं इसमें, और इफ एल्स वाली में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। जैसे इफ एल्स वाली स्टेटमेंट थी, यहाँ पे कंडीशन के साथ हम ब्रेक वाइज ब्रेक जो है वो अपनी कंडीशन को डिफाइन करते जाएंगे इफ स्टेटमेंट के साथ। द स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर, इट इज गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। इसका जो सही कहता अल्टरनेटिव है वो हमारे पास गुड, जो इसके अंदर नेस्टेड इफ हमने कल किया वो नेस्टेड इफ एल्स के फॉर्म में, इसका जो अल्टरनेटिव आज हम पढ़ेंगे। इट कैन बी यूज इजिली वैन देयर आर मैनी चॉइसिस, जो कल हमने किया था उसमें भी हमारे पास मैनी चॉइसिस थी, बट चॉइसिस इस फॉर्म में थी, चॉइस के अंदर चॉइस थी, बाहर वाली चॉइस सेटिस्फाई हो रही थी फिर हम उसके अंदर मूव कर रहे थे। बट अब जो है वो चॉइसेस हैं बहुत सारी, उसमें हमें यूज नहीं करना पड़ेगा कि हम एक चॉइस सेटिस्फाई हो रही है तो फिर दूसरी पे जाएंगे, दूसरी और फिर तीसरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग जो है वो तमाम चॉइसेस के अंदर से एक चॉइस को चूज करेगी, करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसका सिंटेक्स जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देन सिंटेक्स फॉर राइटिंग दिस स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है। तो करने से पहले अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें, तो इसका फ्लो चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें जो यहाँ पे साइड पर राइट साइड पे मेंशन किया, जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, बिल्कुल वही फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स का था। उसमें यहाँ पे कंडीशन थी, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती थी।
अब यहाँ पर है हमारे पास केस, चॉइसिस के साथ जाने हैं तो केस है, केस वन, केस टू, केस थ्री, फिर उसके आगे रिलेटेड टू स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन हो रही थी। लेकिन जो हमने इफ स्टेटमेंट्स की थी उसके अंदर कंडीशंस के आगे स्टेटमेंट्स थी, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन यूज हो रही थी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी हमारे पास सेपरेटली सारी की सारी कंडीशन जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के साथ डिफाइन होंगी, उसमें से एक एक जो है वो एक्सप्लेन होती जाएगी, जो भी आप रिलेटिव टू डाटा देंगे उस रिलेटिव टू डाटा के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होगी और हमारे पास जो है वो कंबाइन होके रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका जो सिंटेक्स दिया हुआ है उसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो इसको आपको बिल्कुल भी इस वक्त जो है इस सामने जो मेंशन किया हुआ है टोटली डिफरेंट वे में उसने मेंशन किया हुआ है, फ्लो चार्ट और सिंटेक्स तो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे इंटीजर और करेक्टर वेरिएबल जो हमने एक स्विच के साथ एक्सप्रेशन देने हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंट केस कॉन्स्टेंट वन, इंटीजर और करेक्टर कॉन्स्टेंट, क्लास अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। स्विच एक्सप्रेशंस हैं इसमें इंटीजर और करेक्टर, वॉइस स्लो आ रही है मैम, बहुत बहुत स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है या सिर्फ सीआर को स्लो आ रही है? स्विच एक्सप्रेशंस हैं इंटीजर और करेक्टर वेरिएबल, अब ठीक आ रही है? उसके बाद केस हैं कॉन्स्टेंट्स वन टू थ्री के साथ हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे, केसेस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, केस वन हमारे पास करेक्ट नहीं है। इसमें बेसिकली होगा ये कि जो आपके पास यहाँ पे ऊपर जो केस डिफाइन होंगे ये केस पहले रीड होंगे, अगर इनमें से कोई केस ठीक होगा तो फिर स्टेटमेंट उस केस की स्टेटमेंट लास्ट पे आ जाएगी, और इसके अंदर अगर कोई भी केस ठीक नहीं होगा तो इसमें लास्ट पे डिफॉल्ट बॉडी जो भी हमने दी होगी वो आएगी। पहले हमारे पास ये था कि इफ स्टेटमेंट हम यूज करते थे, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज कन्वर्ट ऑन द नेक्स्ट इफ कंडीशन, बट हियर यहाँ पे केसेस बनेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी केसेस होंगे तमाम केसेस को वो जस्ट सेटिस्फाई करेगा, केसेस में से जो सिर्फ केसेस सेटिस्फाई होगा उसकी कंडीशन आएगी, अदरवाइज लास्ट पे एक ब्लैंक स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे डिफॉल्ट बॉडी के तौर पर एक स्टेटमेंट दी जाएगी, अदरवाइज वो डिफॉल्ट बॉडी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई यानी कि रिजल्ट स्क्रीन पे उसका डिफॉल्ट बॉडी का आएगा। पहले ऐसा नहीं था, कुछ भी डिफॉल्ट बॉडी हम नहीं देते, हम सिर्फ इफ एल्स के साथ स्टेटमेंट देते थे कि ये कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है। अब ऐसा नहीं है, एक केस के हिसाब से एक कंडीशन देंगे, सॉरी एक कंडीशन के हिसाब से एक स्टेटमेंट देंगे, कंडीशन जो है वो केस ही कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे, दोबारा से रिपीट की हुई है उसने वर्किंग कोड, स्विच स्ट्रक्चर के वर्क इस वे में करेगा, स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन, इसमें एक सिंगल एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाएगा मल्टीपल केसेस के साथ, जो भी आप ऊपर केस देंगे तो हमारे पास बेसिकली ये स्टेटमेंट है, इसको हमने मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करना है, केसेस के साथ कंपेयर होगा तो जो केस वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा करेक्ट वैलिड होगा उसका एक्सप्रेशन जो है या इंटीजर करेक्टर जो भी होगी वैल्यू वो आगे हमारे पास वैल्यूएट होगी, अदरवाइज हम लास्ट पे चले जाएंगे हमारे पास जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपने दी होगी उससे। यहाँ पे यही चीज मेंशन किया है, सिर्फ स्टेटमेंट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस, एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट इन इंटीजर और करेक्टर वैल्यू, द एक्सप्रेशन इज वैल्यूएटेड एट द टॉप ऑफ द स्विच। अच्छा यहाँ पर क्लास जो इंटीजर और करेक्टर वैल्यू यूज किया हुआ वर्ड ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अंदर वहां पे बेसिकली ये चीज डिफाइन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास करेक्टर और इंटीजर्स के लिए वर्क करती है या वेरिएबल के लिए करती है, यही जो सिंटैक्स दिया हुआ है इसको एक्सप्लेन किया उसने, और यहाँ पे एक्सप्रेशन के तौर पे कहते हैं हमने यहाँ पे लिया इंटीजर और करेक्टर वेरिएबल, और कॉन्स्टेंट जो भी लेंगे आप, इंटीजर लेंगे, करेक्टर लेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे, जो भी आप लेंगे उसी को आगे हम केस वाइज डील करेंगे।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोग्राम जो है स्पीच वाला ये इंटीजर्स और कैरेक्टर्स के लिए करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कैरेक्टर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है उसको एक्सप्लेन किया है। द एक्सप्रेशन इज वैल्यूएटेड एट द टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, जो ऊपर स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर दिया होगा वो कहता है वैल्यूएट होगा, एंड इट्स रिजल्ट इज कम्पेयर, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट केसेस के साथ कंपेयर किया जाएगा। ईच केस रिप्रेजेंट वन च्वाइस, हर केस को सिर्फ एक ही च्वाइस दी जाएगी, जबकि हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये करते थे कि एक इफ वाली कंडीशन है तो उसके साथ मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स की च्वाइसेस जो रखते थे कि एक कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ ठीक है नहीं है तो एल्स ये वाली होगी, नहीं है तो एल्स ये होगी। अगर वो पूरी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम एल्स वाली के हिसाब से भी बाहर चले जाते हैं इफ वाली से, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक वैल्यू को हम डिफरेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करके अपना रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हमने कल जो किया था वॉवल वर्ड्स वाला, उसके अलावा जो नंबर्स कंपेयर किए थे कि थ्री नंबर्स दिए हैं, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, या थ्री सी ग्रेटर देन डी है, उसके हिसाब से इफ वाली कंडीशन दी थी उसमें आगे स्टेटमेंट थी, यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक नंबर दे दिया जाएगा और उसको वन बाय वन सब नंबर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और उसके आगे एक एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसके साथ भी सेटिस्फाई करेगा वो उसके रिजल्ट के तौर पर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो लास्ट पे जो डिफॉल्ट वाला लेबल किया हुआ है स्ट्रक्चर वो भी डिफाइन किया हुआ है, डिफॉल्ट लेबल अपीयर्स एट द एंड ऑफ ऑल द केस ब्लॉक्स, जितने भी केस ब्लॉक्स हैं, ऑल द एक्सप्रेशंस आर फेल इन मल्टीपल केसेस, देन डिफॉल्ट लेबलिंग जो एक्सप्रेशन है या ब्लॉक है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इस पैराग्राफ के अंदर जस्ट यही चीज मेंशन की हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक का वर्ड यूज हुआ है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया हो तो ये चीज ये देखिए ब्रेक का वर्ड है। ब्रेक जो है ये अगर आप यूज करेंगे दैट मीन कि बाकी जो बॉडी है हमारे पास गिवन प्रोग्राम की या गिवन स्ट्रक्चर की वो रिपीट नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिजल्ट जल्दी से एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं देते तो ब्रेक का वर्ड नहीं देने का मतलब ये है कि आप तमाम केसेस को डील करना चाह रहे हैं, तमाम केसेस के स्टेटमेंट्स को डील करना चाह रहे हैं, चाहे पहले वाली ठीक है या चाहे एंड वाली जाकर ठीक आती है, लेकिन आप अगर ब्रेक का वर्ड नहीं देंगे तो इट मीन्स हम तमाम केसेस को जो है वो वहाँ पे डील करना चाह रहे हैं। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया, द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी, स्विच बॉडी को एग्जिट करने के लिए हमने वन बाय वन एक एक स्विच बॉडी के साथ जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट दिया हुआ है। If it is used at the end of each case block, हर case block के साथ इसको use किया जाता है, when the result of multiple matches, जो हमारे पास matches हमने वहाँ पे करने हैं, उसमें से जिस case block का जो result है वो match होगा, the corresponding statement are executed and the break statement के according बाकी जो statements हैं वो execute नहीं होंगी, control switch के साथ body से हम बाहर आ जाएंगे और break statements जो है उसके according हम अपने last वाले result पे पहुँच जाएंगे जो भी define होगा। If break is not used, अगर आप break का word use नहीं करें, all case blocks that come after the match case will also be executed. Break का word अगर आप use नहीं करेंगे तो जैसे मैं पहले repeat कर चुकी हूँ कि आपका first वाला भी अगर result ठीक है program end नहीं होगा, बाकी सारे के सारे भी execute होंगे, बाकी के सारे जो है उनका result भी वहाँ पे display होगा अगर आप break का word जो है वो use नहीं करते। अब यहाँ पे programming एक दी है, राइट है प्रोग्राम डेट इनपुट नंबर्स ऑफ वीक्स डे एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल इफ यूजर एंटर वन इन डिस्प्ले फ्राइडे एंड सो ऑन। आपने एक प्रोग्राम इनपुट के तौर पे राइट करना है, कहता है इनपुट नंबर वहां पे देना है वीक्स डे एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, जो भी नेम आपने दिया होगा उसके हिसाब से हम एक नंबर एंटर करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपने मंडे के हिसाब से अगर वन रखा है, ट्यूजडे टू है, वेडनेसडे थ्री है, थर्सडे फोर, फ्राइडे फाइव, दैट मीन कि जो भी नंबर आप डिस्प्ले करोगे, जो भी नंबर दोगे तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो भी डे होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस मीन कि हमने सेवन जो है नंबर्स वो ऐड करने के ऑप्शंस रखने हैं, क्योंकि वीक जो है वो डे जो है एक हफ्ते के वो सात दिन होते हैं, सात दिन के हिसाब से हमने कंडीशन रखनी है। तो हमने इसको स्टेटमेंट को मैंशन कैसे करना है, अपनी स्पीच स्टेटमेंट इंटीजर के साथ दे दें, क्योंकि नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं आते हैं हमारे पास यहाँ पे वीक्स वाले, इंटीजर्स को यहाँ पे दूंगी एन के साथ, क्लियर स्क्रीन काउट एंटर नंबर ऑफ अ वीक, जो भी नंबर ऑफ वीक आप देंगे यहाँ पे और उससे रिलेटेड जो भी आपने मेंशन किया होगा वो आगे डिस्प्ले होगा। केस वन है यानी कि यहाँ पे नंबर वन के अकॉर्डिंग कॉट फ्राइडे और फिर ब्रेक, अगर तो आप नंबर वन देंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर आगे देखें ये एन दिया हुआ है, हमेशा जो नंबर कंपेयर करना है आपने स्विच स्टेटमेंट के आगे वो नंबर मैंशन करना है।
इसको बाकी को मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ बाद में, पहले स्विच के आगे जो एन दिया हुआ है उसको जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर आ रहा है। इसमें देखें जरा, यहाँ पे एक नेक्स्ट फॉर प्रोग्रामिंग है, उसको मैं यहाँ पे फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है, उसको मैं करती हूँ बाद में। फ्लोटिंग ए बी नंबर लेने हैं कोई से भी दो, इस बेसिक प्रोग्राम का मीनिंग है कि दो नंबर लेने हैं, दो नंबर की हमने यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेटर देना है, मैथमेटिकल ऑपरेंड देना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन वाला, उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए कि उन दोनों की डिवीजन आनी चाहिए। तो फ्लोटिंग के साथ ए और बी नंबर दिए, करेक्टर हमने ऑप्शन के तौर पे ऑपरेटर जो देना है उसके हिसाब से हमने कंपेयर करने हैं। तो जितनी भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, तो देखें स्विच जो हमने कंपेरिजन करना है दोनों नंबर का ऑपरेटर के हिसाब से करना है, तो ऑपरेटर को उसने ओपी के नेम से दिखा हुआ, तो यहाँ बेसिकली ओपी के साथ यहाँ पे डिनोट किया है कि हमने ये वाली ओपी वाली जो स्टेटमेंट है उसको अपने केसेस के साथ कंपेयर करना है, बाकी किसी को नहीं करना, फ्लोटिंग इंटीजर वगैरह कुछ नहीं करना। इसलिए जहां पे भी स्विच के साथ आगे मेंशन करेंगे, जो भी नंबर मेंशन करेंगे वो ही केसेस के साथ डील होगा, उसके अलावा केसेस के साथ कोई भी डील नहीं होगा। अब यहाँ पे स्विच एन जो हमने नंबर देना है खुद से उसको एन, और उसको हमने कंपेरिजन करना है अपने डिफरेंट केसेस के साथ। अब केसेस मेंशन किया है इन वन सिंगल ब्रैकेट के अंदर, तमाम केसेस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। केस वन यानी कि फ्राइडे को नंबर दिया वन, जब आप नंबर देंगे केस वन तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉट फ्राइडे, ब्रेक होगा, बाकी वाली सारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम रिजल्ट जो है उसको पहुंच जाएंगे और फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा, प्रोग्रामिंग एंड हो जाएगी। बट इन केस अगर आप टू देते हैं तो केस टू के लिए आपने अगर नंबर सैटरडे टू जो है उसके लिए सैटरडे लिखा तो सैटरडे आ जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह केस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक यहाँ पे दिया हुआ है, देखें सेवन के बाद अगर आप देखें ब्रेक के बाद एक और चीज मेंशन की हुई है, डिफॉल्ट प्रोग्राम भी हमने स्विच वाली ब्रैकेट के अंदर ही देना है, जो मैं पहले भी डील कर रही हूँ कि तमाम अगर केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो तमाम केसेस फॉल्स होने के बाद जो हमने इफ एल्स इफ कंडीशन के अंदर ये चीज की थी कि इफ कंडीशन दिस तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एल्स अगर हमारी ये कंडीशन ठीक नहीं है तो जो सेकेंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग था वो यहाँ पे आएगा। अब ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये सेकंड वाली ही कंडीशन है कि अगर इन पूरी कंडीशन से कोई चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन कि हमने अपने गिवन केसेस से हट के यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, तो जो नंबर हमने दिया होगा लाइक मैं यहाँ पे सेवन के बाद वाला कोई नंबर दे देती हूँ, नाइन टेन कुछ भी देती हूँ, तो ये सारे के सारे वन बाय वन इसको चेक जरूर करेगा, केसेस के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद लास्ट पे चला जाएगा डायरेक्टली डिफॉल्ट वैल्यू पे, तो रिजल्ट आ जाएगा स्क्रीन पे इनवैलिड नंबर के, आपने जो नंबर दिया है वो एक इनवैलिड नंबर है, वैलिड नंबर नहीं है, तो वैलिड नंबर से वो हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एंटर नंबर जी मैम, ये तो डिफॉल्ट है यहाँ पर एज अ एल्स फंक्शन यूज हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये एज अ एल्स फंक्शन यूज हो रहा है जी मैम, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली स्विच स्टेटमेंट, ये नेस्टेड इफ एल्स है, नेस्टेड इफ वाली स्टेटमेंट हमने जो कल की थी, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स है, यानी कि ये नेस्टेड को उसने यहाँ पे ये चीज यूज किया है कि एक स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने सारी कंडीशन जो है वो कंबाइन कर दी। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम एक ही केस के अंदर सारी कंडीशन कंबाइन नहीं करते थे, इफ के साथ सेपरेट कंडीशन देते थे उसकी स्टेटमेंट सेपरेट होती थी, फिर एल्स वाली कंडीशन सेपरेट होती थी उसकी स्टेटमेंट सेपरेट होती थी, यहाँ पे सारी की सारी कंबाइन की हुई है, वो लास्ट पे जो है वो एल्स वाली है कि अगर ये सारी कंडीशन नहीं हो रही तो एल्स ये वाली कंडीशन तो लाजमी होगी। अब नंबर यहाँ पे दिया है एंटर नंबर ऑफ द वीक, जो वीक का डे उसका नंबर एंटर किया है। अब इन केस आप में से कोई यहाँ पे एट नाइन टेन कुछ भी दे देता है जो हमने केसेस में नहीं दिया हुआ, आपको अब जो प्रोग्राम है वो वन बाय वन सबके साथ अपना नंबर कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद स्क्रीन पे शो कर देगा इनवैलिड नंबर, क्योंकि वो डिफॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको रीड करेगा, बाकी सारी कंपैरिजन नहीं हो रही, बाकी सारी जो है वो वैसे निगलेक्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पे जो आउटपुट के तौर पे एंटर किया हुआ नंबर वो थ्री दिया हुआ है, पहले वाला केस कंपैरिजन करेगा नहीं होगा, उसके बाद वो सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड नहीं होगा थर्ड पे जाएगा, थर्ड जो है वो हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले संडे, और ये ब्रेक हो जाएगा फंक्शन और ऑटोमेटिकली ही हम इस पूरी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, यानी कि हम आ जाएंगे गेट के एक्सेप्शन, हमारा फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी नेक्स्ट वाली प्रोग्रामिंग है 5.24, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स वेदर इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। अब मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हम लोगों ने पहले किया है प्रोग्राम्स को मैक्सिमम नंबर के लिए, तो थ्री मैक्सिमम नंबर या फाइव मैक्सिमम नंबर हमने इफ स्टेटमेंट
एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और कल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के साथ भी हमने उसे डील किया। उसके बाद हम लोगों ने कल जो किया था वर्क, उसमें ऑपरेटर्स किए थे, कंपाउंड ऑपरेटर्स, जिसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंट जो है वो एक ही इफ के अंदर डिनोट कर सकते हैं। उसमें हमने जो कंपाउंड ऑपरेटर्स पढ़े थे वो नॉट और उसके अलावा एंड ऑपरेटर थे। नॉट और एंड के टेबल्स भी थे। नॉट में ये था, सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर था, एंड में था कि दोनों कंडीशंस में से कोई भी फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स आएगा, और में ये था कि दोनों में से कोई भी ठीक है तो रिजल्ट हमारे पास ठीक आएगा, सिर्फ एक कंडीशन में फाल्स होगा जब दोनों फाल्स होंगे। और हमारे पास नॉट का जो था उसमें ये था कि जब ट्रू रिजल्ट है तो इट मीन कंडीशन हमारी फाल्स है, रिजल्ट फाल्स है तो इट मीन हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। यहाँ पे भी वही एग्जांपल उसने यूज की हुई है, मैंने जस्ट रिपीट किया आप लोगों की आसानी के लिए, पिछले चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए उसने दोबारा से वही वॉवल वैली दी है जो हमने कल भी की थी, और हमने कल इसको किया था ऑपरेटर्स के साथ, नॉट ऑपरेटर्स के साथ हमने इसे डिनोट किया था। और यहाँ पर इसको अब जो डील करना है हमने वो स्विच स्टेटमेंट के साथ करना है, इंक्लूड ist.h, सारा वही सारा मेंशन किया हुआ है। अब हमने नंबर जो देने हैं, इनपुट देने हैं, वो करेक्टर देना है। यूजर की तरफ से कहता है एक करेक्टर होगा, कोई सा भी करेक्टर हो सकता है, बट हमने जो चेक करना है वेदर इट इज वॉवल और कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट है या वॉवल है, हमने ये चेक करना है। करेक्टर को यहाँ पे डिनोट किया है सी के साथ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सी नहीं लिखना चाह रहे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ये जस्ट करेक्टर को उसने वर्ड को यहाँ पे यूज किया सी। क्लियर स्क्रीन काउट एंटर एंड अल्फाबेट, कोई सा भी अल्फाबेट देंगे आप यहाँ पे, सेम सी आपको स्क्रीन पे डिनोट होगा एंटर एंड अल्फाबेट। अब आप क्या अल्फाबेट देते हो यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब अल्फाबेट जो भी देंगे उससे रिलेटेड हम पहले इसको केस बनाएंगे। स्विच सी यानी कि सी को हमने कंपेयर करना है अपने केसेस के साथ, केस ए, वॉवल में क्या होता है, ए होता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों है। कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको कैपिटल के लिए बोला जाता है तो सिर्फ आप कैपिटल के लिए ही इसको यूज करेंगे, और अगर स्मॉल के लिए बोला है तो स्मॉल के लिए, इन केस अगर दोनों नहीं बोला, स्मॉल और कैपिटल दोनों से कौन सा लेना, तो आपने अपना प्रोग्राम दोनों के लिए लिखना। गॉड एंटर, यू एंटर अ वॉवल, आपने जो भी नंबर दिया होगा वो एक वॉवल नंबर होगा, आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम और हम अपनी कर्ली ब्रैकेट से बिल्कुल बाहर चले जाएंगे, अपनी स्टेटमेंट जो है स्विच वाली उसे टोटली बाहर चले जाएंगे, डिफॉल्ट वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद है सेकंड केस आ जाता है, केस ई, कैपिटल और स्मॉल दोनों है, दोनों में से कोई सा भी होगा तो हमारे पास एक ही दोनों के लिए, दोनों स्टेटमेंट के लिए कंडीशन जो है, दोनों केसेज है उसके लिए एक ही स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए, यू एंटर वॉवल। उसके बाद आई है, इसी तरह ओ है, और ए आई ओ यू सारे के सारे जितने भी बनते हैं ये हमारे पास तमाम के लिए यहाँ पे दी हुई है, पहले ए के लिए ई आई ओ यू। और क्लास ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोग इसे तरतीब के साथ ही दें, ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं, हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि हम इसके तरतीब वाइज ही दें, ये वॉवल वर्ड है, इसको आप आगे पीछे भी दे सकते हैं। आप ओ वाली स्टेटमेंट पहले लिख लें, यू वाला केस बाद में लिख लें, आई वाला पहले लिख लें, कुछ भी आप कर सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने पहले कोई और लिख लिया और बाद में कुछ और लिख लिया तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब हमने एंटर करना है वर्ड्स को, तमाम यहाँ पे वर्ड एंटर किया, डिफॉल्ट में दिया हुआ है नॉट वॉवल, क्लब जो है हमारे पास वो वॉवल नहीं है, आपने जो भी एंटर दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लो चार्ट भी डिफाइन किया, स्टार्ट इनपुट देंगे, सी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है उनकी स्टेटमेंट भी है, येस अगर तो ठीक है तो ये होगा एग्जीक्यूट, अदरवाइज नो होगा तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर येस और नो के साथ वही चीज रिपीट होती जाएगी जो कि नेस्टेड के अंदर थी, और यहाँ पे नेस्टेड के साथ सिर्फ कंडीशन डिफरेंट थी। एंटर किया आप में से किसी ने भी अल्फाबेट यू तो आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट वॉवल, अदरवाइज अगर ए ई आई ओ इन सब वॉवल में से हट के कोई नंबर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे प्ले कर देती हूँ बी एंटर कर देती हूँ, तो बी के लिए वो सिर्फ केसेस से कंपेयर करेगा, केसेस के बाद कंपेयर करने के बाद डिफॉल्ट पे चला जाएगा नॉट वॉवल, कि आपने जो वर्ड एंटर किया है वो जो अल्फाबेट एंटर किया है वो वॉवल नहीं है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट पे है, अब अगर आपको आता है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, मैं जस्ट लाइक ये प्रोग्राम देती हूँ, यहाँ पे देखें कल जो हमने वर्क किया था उसके अंदर ये था कि आपने उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के साथ डिनोट करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ वॉवल और कॉन्स्टेंट, तो चैप्टर नंबर 4 में भी हमने की है, जहाँ पे सिंपल थी, बिल्कुल टोटली सिंपल, जहाँ पे
चैप्टर नंबर 5 में इसको तमाम वेज में उसने डिफाइन किया है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर वाला भी तमाम वेज में डिफाइन किया हुआ है। तो दैट मीन कि एक प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया हुआ कि आप इसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग लिखें, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोग्रामिंग को इजी समझते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे कल जो हमने की थी उसमें मेंशन था कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप वॉवल्स को डिफाइन करें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि प्रोग्रामिंग हमने क्या लेनी है, तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको बेसिक सिंपल वाली प्रोग्रामिंग में लिख लें कंपेरिजन के अकॉर्डिंग, या जो हमने कल की हुई है उससे ले लें, नेस्टेड कर लें, ऑपरेंड्स ले लें, ऑपरेटर्स के कंपाउंड ऑपरेटर्स के साथ कर लें, कोई इशू नहीं है, किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट भी प्रोग्रामिंग है 5.25, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन ऑपरेटर एंड एन अदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट डिस्प्ले द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेटर ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर, इफ द ऑपरेशन इज द डिवीजन इट शुड चेक टू मेक श्योर दैट द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ द ऑपरेटर इज नॉट ए, जो इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर नहीं है यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट एन एरर मैसेज। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कहता आपने कोई से भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देने, इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देने, ठीक है, उसके बाद क्या करना है एंड ऑपरेटर, एक ऑपरेटर भी देना है एंड अदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देने इस वे में है कि हमने पहले एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना है, फिर हमने एक ऑपरेटर देना है एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करती हूँ, डिफाइन करती हूँ, फ्लोटिंग ए बी ये इकट्ठा लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने अभी नंबर नहीं देने, इनपुट देनी जो बोल रहा है वो यहाँ पे हमने देनी है, जब इनपुट देनी है कहता तब आपने इस वे में देनी है कि पहले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा एंड देन फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। जब ऊपर हमने डिनोट करना है अपने प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर फ्लोटिंग दो नंबर हमने फ्लोटिंग लेने, एक कैरेक्टर लेना है जो कि ऑपरेटर है, ऑपरेंड की फॉर्म है, तो हमने उस वे के अंदर उसको यूज करना है। क्लियर स्क्रीन आगे आ जाएगा, कॉट एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम देंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो भी आप देंगे जिसके साथ भी उसे डिस्प्ले कर रहे हैं ए के साथ। नेक्स्ट पे कहता है एंटर एन ऑपरेटर, अब ऑपरेटर आप लोगों से स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि क्या आप ऑपरेटर देना चाह रहे हैं, उसको हमने ओपी के साथ यहाँ पे नेम दिया। उससे नेक्स्ट पे है हमारे पास कॉट एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फिर जो सेकंड वाला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो यहाँ पे हम देंगे। हमारे पास हमने बेसिकली जो कंडीशंस रखनी है, अब कहता है कंडीशंस की फॉर्म में, इट डिस्प्ले द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेटर ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर, जो भी आप नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन होंगे। इफ द ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेटर दे रहे हैं इज डिवीजन, अगर आप कहता है डिवीजन वाला ऑपरेटर दे रहे हैं तो आपने ये भी इसके अंदर मैंशन करना है, ये भी मेक श्योर करना है कि उसका डिवाइजर जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन हमने देनी है कि उसका जो डिवाइजर आ रहा है, जो कन्वेंडर की कंडीशन आ रही है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और सेकेंडली ये भी प्रिंट आउट होना है कि आपने कोई सा भी ऑपरेटर आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ऑपरेटर के साथ इस फंक्शन को डील करें। ये सारा कुछ ऊपर प्रोग्राम के अंदर है तो हमने उसी से रिलेटेड देना है, हमने खुद से कुछ भी इसमें एडिंग किया है सब्ट्रैक्टिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग की फॉर्म यही है, देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट एन एरर मैसेज, अगर कहता है इन प्रोग्राम ऑपरेटर में से आप कोई ऑपरेटर नहीं देते तो आपका जो प्रिंट है वो स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि एरर मैसेज के फॉर्म में आपने वहाँ पे एरर देना कि आपने ऑपरेटर जो है वो रॉन्ग किया। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर को एंटर किया, नंबर को एंटर करने के बाद हमने ऑपरेटर को डील करना है, ऑपरेटर की कंडीशन रखनी, हमने जो ऊपर हमारे पास डिफाइन की हुई है, केस वन में सबसे पहले है एडिशन, एडिशन के हिसाब से कॉट ए प्लस बी एंड एल ब्रेक, फिर उसके बाद केस जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला आएगा कॉट ए माइनस बी, केस नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, केस नंबर 4 के अंदर डिवीजन दी है, बट डिवीजन के अंदर देखें यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की हुई है, केस जब डिवीजन वाला देंगे डिवीजन वाला तो वहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मेक श्योर कि आपके पास जो डिवीजन है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हो जाता है और हम ले रहे हैं ए ओवर बी की फॉर्म तो डिवीजन बाय जीरो जो है वो नॉट आएगी, नॉट के साथ यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है क्योंकि जीरो के साथ जब डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड टर्म बन गया, एल्स कॉट ए ओवर बी एंड एल, और उसके बाद अगर कहता है डिवीजन जो है वो बाय जीरो बन रही है
हमारे पास ये हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे चला जाएगा एल्स वाली कंडीशन पे। अब देखें केस तो डिवीजन वाला है, उसके अंदर यहाँ पे इफ वाली कंडीशन भी हुई है। यहाँ पे दो वैल्यूज ने दी है, डिवीजर जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो डिवीजर वाली वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेंशन भी हुई है। इफ द ऑपरेटर इज आर डिवीजन इट शुड चेक टू मेक श्योर दैट द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हमने इसके अंदर ही चेक करना है कि डिवाइजर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। डिवाइजर जीरो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इफ कहते हैं डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो तो रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा डिवाइजर बाय जीरो, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये एंड हो जाएगा और फंक्शन ब्रेक होने के बाद जो है वो आप डायरेक्टली जो है स्क्रीन पे जस्ट लिस्ट में करेंगे डिवाइजर बाय जीरो, यानी कि सेकंड वाला नंबर जो है जो आपने बी देना है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है, जीरो की कंडीशन अगर आपने डिवीजन वाला दिया फंक्शन, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। और अगर आप इसमें से जीरो देते हैं और ऊपर वाले कोई सा भी केस लेते हैं एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला, तो फिर उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी, वो एग्जीक्यूट होकर उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिवीजन ले रहे हैं तो सेकंड वाला नंबर यानी कि बी है कहता वो जीरो नहीं लेना आपने उसका डिवाइजर, अगर तो जीरो लिया तो पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा डिवीजन बाय जीरो। नहीं जीरो लिया आपने तो रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा और उसका आंसर आएगा और फंक्शन ब्रेक होगा और हम इस पूरी ब्रैकेट से बाहर चले जाएंगे। इन केस अगर आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू जो है ऑपरेटर जो है वो डिफाइन नहीं करते जो कि हमें प्रोग्रामिंग में दिया हुआ है, तो केसेस के साथ सिर्फ ये चेक होगा और उसके बाद चला जाएगा डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट में आएगा कि इनवैलिड ऑपरेटर के आपने जो ऑपरेटर दिया हुआ वो एक इनवैलिड ऑपरेटर है, वैलिड देंगे तो ये रिजल्ट केस होंगे अदरवाइज ये नहीं होंगे। इसके बाद है प्रोग्रामिंग 5.2 और आई थिंक सो इस पॉइंट की ये दो लास्ट वाली प्रोग्रामिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वाला डिफरेंस आता है इफ एल्स और स्विच के अंदर, फिर हमारे पास आएंगे ऑपरेटर और चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। इसमें अभी जो है 5.26 वाली स्टेटमेंट इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ अ हेल्थ क्लब। एक प्रोग्रामिंग राइट करनी है हमने, डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ अ हेल्थ क्लब, स्टैंडर्ड अडल्ट मेंबरशिप, चाइल्ड मेंबरशिप, सीनियर सिटीजन मेंबरशिप, क्वाइट द प्रोग्राम। और इससे आगे जो है इट इनपुट चॉइस एंड नंबर ऑफ मंथ्स एंड कैलकुलेट मेंबरशिप चार्जेस एज फॉलो, ये भी साथ में दिए हुए हैं कि चॉइसेस और चार्जेस पर मंथ के हिसाब से जो भी डर्ट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और हमारे पास प्रोग्राम जो है लास्ट पे क्वाइट हो जाएगा। इसके चार्जेस भी हमने यहाँ पे डिनोट करने हैं, वो भी साथ में मेंशन होंगे। सबसे पहले तो है चॉइस देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड अडल्ट मेंबरशिप रुपीज 5 पर मंथ के हिसाब से चार्ज हो रहे हैं, सेकंड वाला है चाइल्ड मेंबरशिप, चाइल्ड मेंबरशिप के हिसाब से चार्जेस पर मंथ 20 चार्जेस हैं, और सीनियर सिटीजन मेंबरशिप के हिसाब से है रुपीज 30। प्रोग्राम हमने यहाँ पे टाइप करना है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ प्रोग्राम को कि डिस्प्ले क्या होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फॉलोइंग, उसमें फॉलोइंग मेन्यू क्लब जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। चार्जेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने कहता है इनपुट चॉइस नंबर्स के हिसाब से मंथ एंड कैलकुलेट मेंबरशिप चार्जेस यहाँ पे करनी है, जो कि हमारे पास चार्जेस भी दिए हुए हैं मेंबरशिप के हिसाब से और चॉइस भी दी हुई है। अगर आप फर्स्ट वाली चॉइस लेंगे तो चार्जेस पर मंथ के हिसाब से 50 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। चाइल्ड मेंबरशिप के लिए अगर आप चॉइस 2 दे रहे हैं तो 20 आएगा, और अगर 3 दे रहे हैं तो 3 के हिसाब से कैलकुलेट होके क्या आएगा 30 आएगा। हमने यहाँ पे अपनी चॉइस भी देनी है, सबसे पहले तो हमने जो मेन्यू क्लब मेंबरशिप का देना है वो सबसे पहले इंटीजर चॉइस और मंथ, ये दो चीज़ें हम लोगों ने अंदर यूज करनी है। डबल चार्जेस वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि वैल्यू जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है, हम अपनी वैल्यू जो है वो सिटीजन के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कॉड के हिसाब से जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है पहले मेन्यू क्लब मेन्यू मेंबरशिप वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है इतनी लाइन से, जो ऊपर कहा गया था कि सबसे पहले आप ये चीज़ मेंशन करें, इसके बाद फिर आगे प्रोग्राम जो है वो डिफाइन करना डिस्प्ले करना सबसे पहले स्क्रीन पे, ये हमने ये मेन्यू क्लब हेल्थ क्लब के हिसाब से ये मेंशन किए। उसके बाद आगे एक नंबर देना है, इट इनपुट चॉइस अपनी चॉइस हमने देनी है एक नंबर के फॉर्म में, नंबर ऑफ मंथ्स मंथ्स के हिसाब से देंगे हम, सिर्फ वहाँ पे नंबर देंगे और कंपेयरिंग करेंगे जो अंदर हमने मंथ प्रोग्रामिंग में टाइप किया हुआ उसके हिसाब से।
कैलकुलेट मेंबरशिप के चार्जेस के हिसाब से जो भी आप मंथ देंगे उसके हिसाब से चार्जेस जो है वो पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। पहले जो सिर्फ वर्क किया हुआ है ये 4 लाइन्स में, ये भी लाइन बेशक ना लिखे आप लोग, हेल्थ क्लब मेंबरशिप मेन्यू लिखना चाह रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये उसने इनपुट में नहीं पूछी, इनपुट में सिर्फ ये 4 पॉइंट उसने पूछे हैं कि ये इनपुट जो है आउटपुट के तौर पे आपके पास आ जाएगी, आप इसके इनपुट की फ्रेम लेंगे। तो हम सिर्फ इसको कॉर्ड के साथ लिखेंगे, कॉर्ड 1 2 3 4 के साथ, और ये चारों की चारों लाइन डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक चॉइस देनी है, कॉर्ड एंटर अ चॉइस, जो भी आप चॉइस करेंगे सेम चॉइस के साथ मेंशन करेंगे। इफ चॉइस ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज किया, चॉइस लेस एंड इक्वल टू 3। चॉइस देनी थी हमने और मंथ्स देने, उसके बाद जो है वो कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे कंडीशन वाली यूज किया, इफ चॉइस ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड चॉइस लेस एंड इक्वल टू 3, तीन के लिए यहाँ पे दी हुई है, तीन ही थे। अगर आप लास्ट वाली 4th चॉइस देते हैं तो प्रोग्राम वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, एंड पे चले जाएंगे हम, ये कोई भी चीज नहीं है ठीक है। तीन थी कंडीशन उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर दिया, तीनों को उसने एक दफा ही यूज किया है कि चॉइस जो है देखिए, अगर आप यहाँ पे इक्वल भी ले ली है, इससे ग्रेटर भी ले ली है, 3 भी ले लिया और 3 से लेस भी ले लिया, तो रह पीछे कौन सा गया, एक नंबर रह गया 3, लेकिन डबल के हिसाब से दिया है, इट मीन हम यहाँ पॉइंट वाले नंबर भी चूज करते हैं। हम मेन्यू जो है उसके अंदर अपने पॉइंट वाइज भी मंथ को डिफाइन कर सकते हैं। आगे आएगा कॉर्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्या आप जो अपनी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो कितने मंथ्स के लिए करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें राइट साइड पे, चॉइस उसने सेकंड लिया यानी कि 2, और 2 चॉइस के लिए क्या आएगा मेरे पास, यानी कि मैंने चॉइस 2 लिया, इसके अंदर से कैलकुलेशन होगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू वाली कैलकुलेशन होगी। तो हम चले जाएंगे अंदर स्टेटमेंट पे, कितने मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें मंथ उसने लिखे हैं 6, तो हम अपनी 6 स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। 6 के हिसाब से ये तीनों की कंडीशन जो है वो कैलकुलेट नहीं होगी, हमने कोई चॉइस सेकंड वाली ली है, तो सेकंड वाली चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, केस 1 चार्जेस मंथ मल्टीप्लाई 50 ब्रेक होगा, केस 2 पे जाएंगे, केस 2 के लिए ये और केस 3 के लिए। अब हमने अपनी आउटपुट अगर दी है 2 के हिसाब से, आउटपुट के अंदर जो इनपुट दी हुई है 2 दी है, तो मंथ मल्टीप्लाई होगी 20 के साथ, और अगर आपने दी हुई है 1 या 3 तो उसके हिसाब से 50 या 30 से वो मल्टीप्लाई होगा, स्टेटमेंट जो है ब्रेक हो जाएगी, एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और हम चले जाएंगे कॉर्ड द टोटल चार्जेस रुपीज, जो भी चार्जेस आए होंगे उसके ऊपर। अब इन केस हमने यहाँ पे इन तीनों चॉइस में से इस कंडीशन के तौर पे हमने यहाँ पे चॉइस देते वक्त मेंशन नहीं किए ये तीनों नंबर, कोई और नंबर मेंशन किया, तो इसके अंदर वाली ये कंडीशन सारी की सारी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम डायरेक्टली एल्स के ऊपर चले जाएंगे। एल्स इफ वाली कंडीशन थी चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट इक्वल टू 4 के लिए था द वैलिड चार्जेस चॉइसेस आर 1 2 4, सिर्फ यही वैलिड थी, बट रन द प्रोग्राम अगेन एंड सेलेक्ट वन ऑफ दीज, इसमें दोबारा से स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा कि आपने रिजल्ट जो है वो गलत दिया हुआ है। 1 से लेके 4 तक चार्जेस में दिए, अगर 4 से आप बाहर दे रहे हैं तो स्क्रीन आपने रिजल्ट जो है वो गलत दिया है, दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन करें। अब लास्ट वाला जो है वो मैंने ही यहाँ पे एक्सप्लेन करी, लास्ट आप लोगों को दोबारा से कह रही हूँ, दोबारा से तैयारी कर लें अपनी पूरी चैप्टर नंबर 1 से, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी नाम आपसे पूछ सकते हैं और किसी भी लेक्चर के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट वाले प्रोग्राम है आप खुद से करेंगे, जो रह गया है वो अब हम मंडे वाले दिन करेंगे।